क्या नासा को कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी मिला है जो गैलेक्सी को खा रहा है? यूनिवर्स में बहुत दूर इसकी गहरी गहराइयों में कोई ऐसी अननोन फोर्स सारी की सारी गैलेक्सी, सभी सेलेस्ट्रियल बॉडीज, इवन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी अपनी तरफ खींच रहा है। और इसी के साथ साथ साइंटिस्ट ने बहुत ही बड़ी और मिस्टीरियस चीजों को भी हाल ही में डिस्कवर किया है। तो आखिर वो कौन सी फोर्स है जो गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रही है, और क्या वो यूनिवर्स की हर चीज को खत्म कर देगी? साइंटिस्ट आज की टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस में नई नई चीजों को तलाश करने में जहाँ बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी गैलेक्सी के बाहर सेंटोरियस कंस्टेलेशन की डायरेक्शन में स्पेस के हिस्से को एक लंबे टाइम तक देख नहीं पाए थे, क्योंकि हमारी गैलेक्सी की ये वाली साइट गैस, डस्ट और स्टार से भरी हुई है, जिसकी वजह से इसके बाहर जमीन से देख पाना पॉसिबल ही नहीं था। और इसी वजह साइंटिस्ट ने इसको जोन ऑफ अवॉइडेंस का नाम भी दिया था। और इस स्पेस के इसी हिस्से में द ग्रेट अट्रैक्टर भी मौजूद है। हाल ही के कुछ सालों में एक्सरे और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हुई डेवलपमेंट की वजह से साइंटिस्ट इस जोन ऑफ अवॉइडेंस में फाइनली देख पाए, जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी लोकल ग्रुप के सेंटर की तरफ मूव कर रही है, और इस मेगा स्ट्रक्चर के सेंटर में द ग्रेट अट्रैक्टर मौजूद है। द ग्रेट अट्रैक्टर जो कि 300 मिलियन डायमीटर पे फैला हुआ है, और जो हमारी जमीन से 147 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। स्पेस के इस हिस्से की रिसर्च करने पर साइंटिस्ट को गैस और डस्ट के बादलों के पीछे गैलेक्सी के एक बड़े सुपर क्लस्टर की तलाश की, जिसे नोमा सुपर क्लस्टर का नाम दिया जाता है। ये क्लस्टर सूरज से तकरीबन 1000 ट्रिलियन गुना मैसिव था, लेकिन जब बाद में इन द जोन ऑफ अवॉइडेंस प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने जब एक्सरे डेटा से इसको स्टडी किया, तो पता चला कि द ग्रेट अट्रैक्टर के रीजन में बहुत कम गैलेक्सीज मौजूद थी। स्पेस में दूरी जितनी ज्यादा होती जाती है, उतने ही ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ से डिटेक्ट किए जाना मुश्किल होते जाते हैं, क्योंकि वो डिम होते चले जाते हैं। इसीलिए हम सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ही देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हों। इसी वजह से कई बार हम ऐसे विजिबल ऑब्जेक्ट को स्पेस के किसी ऐसे हिस्से के साथ जोड़ लेते हैं जो असल में उसका हिस्सा ही नहीं होता, जिसकी वजह से स्पेस के कुछ रीजन हमें बहुत ही ज्यादा डेंस गैलेक्सी से भरे हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से द ग्रेट अट्रैक्टर हमें कई तरह से कई ऐसी गैलेक्सीज भी दिखाता है जो असल में उसका हिस्सा ही नहीं होती। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये भी पॉसिबल है कि ग्रेट अट्रैक्टर असल में किसी तरह का सुपर अट्रैक्टर ना हो, बल्कि ही स्पेस का ऐसा सेक्शन हो जहाँ पर गैलेक्सीज बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हो। और तो और इस ग्रेट अट्रैक्टर का मास इतना ज्यादा नहीं है कि किसी तरह से लोकल गैलेक्सीज क्लस्टर को अपनी तरफ खींच पाए। तो फिर वो कौन सी चीज है जो गैलेक्सी के लोकल क्लस्टर को लैंड या सुपर क्लस्टर के सेंटर की तरफ खींच रही है? वेल, इसका जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट ने ऐसे स्ट्रक्चर्स को तलाश करना शुरू किया जिसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा, वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। वेल, ये है शैपले सुपर क्लस्टर, जो कि 20 क्लस्टर के मिलने से बना है, और इसमें 8000 गैलेक्सीज भी हैं जो कि जमीन से 650 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। इस क्लस्टर का मास सूरज के मास से 10 बिलियन मिलियन गुना ज्यादा है, और ये हमारी गैलेक्सी का बिलियन लाइट ईयर के सबसे मैसिव फॉर्मेशन है। स्पेस में सबसे पुरानी कॉस्मिक लाइट ईयर को तलाश करते हुए ईसा के प्लैंक सैटेलाइट ने इस शैपले क्लस्टर के सेंटर में रीजन की तरफ कुछ यूनिक इमेजेस को भी कैप्चर किया है। इस इमेज के दो बड़े स्पॉट्स दो गैलेक्सी क्लस्टर है, एवेल 3558 और 3562। इस इमेज में इन्हीं दोनों क्लस्टर के बीच में कुछ छोटे ग्रुप्स भी हैं, और इन्हीं इमेजेस का डाटा यूज करते हुए रिसर्चर्स ने शैपले क्लस्टर में अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद एक स्ट्रक्चर का मॉडल भी तैयार कर लिया है। और वहीं पर साइंटिस्ट ने स्पेस का एक ऐसा रीजन तलाश किया है जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा कम थी, जिसे डायप्लोर रैप्टर कहा जाता है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने ये देखा कि शैपले सुपर क्लस्टर इस रीजन से अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से सेलेस्ट्रियल बॉडीज को तेजी से खींचता है, जिसकी वजह से डिपोलर रैप मैटर की डिवाइस की तरह काम करता है। लेकिन इसके बाद भी रिसर्चर्स को एक प्रॉब्लम तो परेशान कर रही थी कि शैपले क्लस्टर की डिस्कवरी के बाद भी ग्रेट अट्रैक्टर के एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स का पूरा सीन पूरी तरह से क्लियर नहीं मिल रहा था। वीर्गो क्लस्टर, ग्रेट अट्रैक्टर और शैपले सुपर क्लस्टर की ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने पर रिसर्चर्स ने ये देखा कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी गैलेक्सी की स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड कम होनी चाहिए थी। वेल, ये मिल्की वे गैलेक्सीज के पीछे छुपे कुछ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, लेकिन शायद साइंटिस्ट ने ऐसे ही एक स्ट्रक्चर को तलाश भी कर लिया जो कि है वेला सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर गैस और डस्ट की एक मोटी लेयर के पीछे हमारी जमीन से 850 मिलियन लाइट ईयर्स दूर छुपा बैठा है। ये क्लस्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, तकरीबन 370 मिलियन लाइट ईयर्स के एरिया में फैला हुआ है, और जिसमें 1 लाख गैलेक्सी समा सकती है। इस वेला सुपर क्लस्टर की ग्रेविटी
सीमित ही हुए कि एक्चुअली स्पीड के डिफरेंस और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर सके। और वहीं दूसरी तरफ रिसर्चर्स ने जोन ऑफ अवॉइडेंस में 883 गैलेक्सीज को भी स्टडी किया, जिनमें से कुछ पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने ऑस्ट्रेलिया के पार्कस रेडियो टेलीस्कोप को भी यूज किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि गैलेक्सी की ग्रेविटी एक दूसरे को इफेक्ट कर रही, लेकिन इनकी अट्रैक्शन उस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर रही थी। साइंटिस्ट अभी भी ग्रेविटी की हिडन सोर्स और मिल्की वे के मोशन की नेचर और साथ ही अदर लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी के बारे में जानने में लगे हुए हैं। इससे जुड़ी कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आई भी हैं, जिनमें से एक के पीछे डार्क मैटर का हाथ भी बताया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ इसे हाइपोथेटिकल मल्टीवर्स से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इसी बीच साइंटिस्ट के एक इंटरनेशनल टीम ने ग्रेट अट्रैक्टर से जुड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी भी की थी, जिसके लिए उन्होंने 10,000 गैलेक्सीज की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। इसके रिजल्ट में उन्होंने एक इंटरैक्टिव मॉडल को कंपाइल किया, जिसमें ग्रेट अट्रैक्टिव वेगो सुपर क्लस्टर और पर्सिस ऑफ सुपर क्लस्टर के भी पूरे एरियाज को दिखाया गया था। इस मॉडल ने ये दिखाया कि कैसे हर इंडिविजुअल क्लस्टर और गैलेक्सीज कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मूव कर रही। इसके साथ ही उन्होंने सभी सेलेस्टियल बॉडीज की फ्यूचर मूवमेंट को भी ट्रैक किया। उन्होंने देखा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन की इंक्रीज होती हुई स्पीड गैलेक्सी की क्लस्टर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करने से रोकेगी। साइंटिस्ट ने इससे जुड़ी एक सिमुलेशन भी तैयार किया, जो हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन से आज से करोड़ों साल बाद का फ्यूचर भी दिखाती है। वेल, अभी के लिए हम यही जानते हैं कि स्पेस एक बड़ी मिस्ट्री है, और जिससे जुड़ा हर जवाब एक नई मिस्ट्री को हमारे सामने रखता जाता है।